दिव्यांगों को शिक्षा देने में लगी कोशिश। एक आशा संस्था के विशेष स्कूल ने ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन दिल्ली के सहयोग से रामपुर में दिव्यांग स्कूली छात्रों के लिए वार्षिक समारोह का आयोजन किया। दिव्यांगों को शिक्षा देने में लगी कोशिश। एक आशा संस्थान के विशेष स्कूल ने ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन दिल्ली के सहयोग से रामपुर में दिव्यांग स्कूली छात्रों के लिए वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग स्कूली छात्रों की विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं भी कराई गई। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वर्मा ने किया। समारोह के दौरान दिव्यांग छात्रों की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई ताकि उन्हें भी समाज में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस प्रतियोगिता में रामपुर के अलावा किन्नौर, आनी, निरमंड और आसपास के क्षेत्रों से आए विकलांग बच्चों ने हिस्सा लिया। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन दिल्ली की ओर से विजेताओं को नकद इनाम भी दिए गए। तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर ने दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि इन बच्चों के उत्थान और सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर भी हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान कोशिश एक आशा संस्थान के संचालक और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि दिव्यांगों को उनके हक दिलवाने के साथ साथ समाज में उन्हें शिक्षित, आर्थिक व सामाजिक तौर पर सशक्त बनाया जाएगा। कोशिश एक आशा संस्थान के संचालकों ने बताया कि शिमला जिला के अलावा किन्नौर और साथ लगते क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि रामपुर में ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाए। ये शिमला जिले के बाद, शिमला जिले में मतलब शिमला के बाद कोई भी इस तरह का दिव्यांग बच्चों के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, जिसकी हमने हमारे संस्था के द्वारा पहल की गई। और जब हमने ये 3 बच्चों से शुरू किया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे बाहर निकल कर आएंगे। आज 70 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और 40-42 बच्चे हमारे पास रेगुलर में जो क्लास में आते हैं। और इनमें इतना ज़्यादा बदलाव आया क्योंकि हम इन्हें हर तरह की शिक्षा दे रहे हैं। इनको हम योगा सिखा रहे हैं, संगीत है, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं जिसमें हम मोमबत्ती बनाना और राखियाँ बनाना इनको सिखा रहे हैं, लिफाफे बनाना सिखा रहे हैं। और स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, नेशनल में ये गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। तो इतना इनमें चेंजेस आए और इनको एक समाज में हमने इनका इनको एक स्थान ताकि इनका एक अपनी एक पहचान हो, वो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कोशिश की जा रही है इन्हें देने की। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने कानून तो पास किया है लेकिन ईमानदारी से लोग इसे लागू नहीं करते हैं। इस मौके पर बीपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल वर्मा ने राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में भी जानकारी दी और इसे लागू करवाने के लिए लड़ाई जारी रखने की बात कही। नहीं होता है तब ये धरना, प्रदर्शन या रैली के माध्यम से हम सरकार पे दबाव डाल के और सरकार से ये मनवाने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार मान ले, ताकि दृष्टिबाधित एवं विकलांगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था हो सके, सुचारू रूप से उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो सके, उनको जो 1% दृष्टिबाधित का आरक्षण है वो समय समय पर मिल सके। जो बैकलॉग की बात कही जाती है, ये हमें बैकलॉग के संदर्भ में बार बार रैली धरना प्रदर्शन न करना पड़े। और जो RPWD एक्ट राइट पर्सन डिसेबिलिटी 2016 में लागू किया गया है, यानी 2016 में संसद ने पास कर दिया था,